हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल से। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म का बेसिक कंसेप्ट और प्रिज्म फार्मूला पढ़े थे। उसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन का फार्मूला पढ़े थे। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल पाई बटे 3 इज पाई बाई 6। मतलब इसका कि मिनिमम जो डेविएशन है डेल मीन, जिसको हम लोग सिंबल में डेल एम देते हैं, वो वैल्यू है आपको पाई बटे 6, यानी ये है आपको 30 डिग्री। कोई डाउट? ओके। और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है? पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब हो गया 30 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी आप इसको लिख सकते हैं पाई बटे थ्री लिख सकते हैं, यानी ये लिख सकते हैं आपको 30 डिग्री। ओके। कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये दिया हुआ क्या रहता है भाई? ये तो दिया ही, ये तो होता ही है ना। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है स्पीड इन मटेरियल। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n बराबर जो होता है वो सी डिवाइडेड बटे v होता है कि नहीं। यानी v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बटे n, यानी हमको निकालना है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देते हैं और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा सवाल तो बन जाएगा, है कि नहीं भाई। यहाँ पर सिर्फ n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू को हम निकालने के लिए ऐसे पढ़ते हैं, n इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बटे साइन ए बाई 2। अब याद कीजिए आप कि ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते थे? जब एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से ज़्यादा था। अब देखो तो भाई, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है 30 डिग्री है और ये 10 से ज़्यादा है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि साइन, क्या लिखेंगे आप, 30 डिग्री अब प्लस ये होगा 60 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री, इसको 60 है ना, तो नहीं हो गया, ये हो गया डेल, यानी 30 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बटे 2, और ये हो गया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बटे 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है और सवाल आप समझ गए हैं। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए। वैल्यूज को जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा भाई? वैल्यूज पुट करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आप बना सकते हो भाई इसमें, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी लेवल में जेई मेन का भी रहता है, नीट का भी रहता है, बोर्ड का भी रहता है, सब इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल होता है, ऐसा नहीं होता है। तो n इज इक्वल टू आपके पास जो होगा वो होगा क्या, ये हो गया 90 होगा, 90 में 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 45। तो यहाँ पर हो गया क्या, साइन 45, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन 30। वन बटे रूट अंडर 2, और वन बटे कितना, 2, यहाँ पर क्या होगा, 2 बटे रूट अंडर 2। इसको रूट 2 से नीचे ऊपर करो तो रूट 2 से करोगे तो भाई 2 रूट अंडर 2 डिवाइडेड बटे फिर क्या, रूट 2 और फिर रूट 2। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2, ये हो गया n बराबर रूट 2। तो n बराबर आपको रूट 2 आ गया, तो आपको लिखना होगा v इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइडेड बटे रूट 2। जब भी नीचे रूट 2 रूट 3 रूट 4 आता है तो हम लोग कंजुगेट करते हैं, पता है ना, सोल्व करने के लिए इसे आसानी होती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू 3×10⁸ रूट अंडर 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया v इज इक्वल टू 3×10⁸ ओके इंटू रूट अंडर 2 डिवाइडेड बटे कितना, ऊपर नीचे तो इधर भी रूट 2, यहाँ पे कर दिए रूट 2, तो ये आ गया 3×1.414
10 टू द पावर कितना 8 और डिवाइडेड बटे कितना 2, तो v इक्वल टू आया है बच्चों, ये हो गया 4 3 12 कर 2, और ये हो गया 3 और 1 4, और ये हो गया आपको 4 3 12 कर 2, और ये हो गया आपको 4 एक दशमलव, और डिवाइडेड बटे 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 8। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा भी इज इक्वल टू 2.1 और 2 फिर 1 और 10 टू द पावर कितना 8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर, ये स्पीड आएगी, स्पीड क्या होगी, कम हो गई ना, स्पीड कम हुई कि नहीं हुई, मतलब कि मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन को आप भाई पढ़ते रहना, क्वेश्चन को आप समझते रहना, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं और नहीं ट्राई कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन है कि अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक प्रिज्म है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो प्रिज्म हो सकता है ग्लास का हो, तो उसको मैंने मान लिया एनर्जी, ओके 1.5 और 3 दिया हुआ है। इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो भाई इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.33। सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुविधा के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 है ना, और इसको लिख सकते हो इसको 4/3, सही है, सुविधा के लिए आसान हो जाएगा, ओके। इसी वैल्यू को ऐसे लिख दिया यार, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो आप, आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, मतलब ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया, ओके कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम निकालना है इन वाटर, मिनिमम डेविएशन निकालना है वाटर में। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि इस वैल्यू का इस्तेमाल होगा, अक्सर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, और जे से नीट वगैरह है, नीट और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, है ना, जो ये जो वैल्यू दिया हुआ ना ऐसे, क्योंकि मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में, उनको परेशानी होती है, तो आप देख लेना है ना क्वेश्चन बैंक नीट का, उसमें ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बोर्ड अगर पूछता है तो ये वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, बोर्ड थोड़ा सा कठिन होता है, अगर मानो तो बोर्ड कठिन होता है, तो ये भाई 60 डिग्री होता है। अब मार्क्स दे देता है तो अलग बात है, ये हो गया। तो आपको अब फार्मूला लिखना होगा ना कि आप जा रहे हो कहाँ से, वाटर से जा रहे हो, और किस में जा रहे हो, गिलास में, है ना, तो इसको लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे कि साइन डेल मिनिमम प्लस ए और डिवाइडेड बटे कितना 2 और डिवाइडेड बटे साइन कितना ए बाई 2, तो ए तो दिया है हुआ है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें मेन जो रोल है वो किसका है पता है, इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, मैथमेटिक्स का रोल है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एन गिलास डिवाइड बटे क्या लिखेंगे, एन वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बटे 2 डिवाइडेड बटे साइन ए बटे 2, ओके। एन ग्लास एन वाटर, यहाँ पर एन वाटर लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो एन ग्लास और एन वाटर, देखो भाई ग्लास का हो गया कितना 3/2 हुआ डिवाइडेड बटे कितना है 4/3 हुआ इजिकल टू, इक्वल टू कितना हुआ, इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, सॉरी साइन डेल प्लस 60 डिवाइडेड बटे कितना 2 डिवाइडेड बटे साइन 60 डिवाइडेड बटे 2, इसको लिखेंगे 9/8 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60 डिवाइडेड बटे कितना 2 डिवाइडेड बटे कितना साइन 30 डिग्री। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा समझिएगा, इसको धीरे यहाँ भेज दीजिए, तो 9 डिवाइडेड बटे कितना 8 इन टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन
टेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 बटे 2 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई कितना 2, तो ये हो गया 9 बटे 16 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सोल्व करो, इसको जब सोल्व करेगा तो कितना आएगा, ये हो गया आपको 16, तो 16 पाँच कितना होता है 80 होता है ना, 16 पाँच 80 होता है और ये 90 है ना, तो इसको जब डिवाइड करेगा तो ऐसे आएगा 0.573 आएगा इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। इसके हिसाब से भी देख के बता सकते हैं कि उतना ही आएगा, है ना भाई, डिवाइड करो करें, हाँ डिवाइड कीजिएगा तो ऐसे ही आएगा, समझे, डिवाइड करेंगे तो आप बिल्कुल इस तरह से फिर जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर होगा 0.573 इजकल टू डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बटे 2। इसका जो वैल्यूज है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यूज कितना, वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू दिया था 31 है ना, सॉरी 35.1 दिया हुआ था, 35.1 इसका जो वैल्यू दिया था वो दिया था 35.1 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बटे कितना 2, तो 2 गुणे 35.1 डिग्री इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा और पॉइंट, 5 गुना 10 0 होगा, 3 गुना 6 1 7 होगा, डिग्री हो गया, डेल एम प्लस कितना हो गया ए हो गया, तो ये हो गया आपको डेल एम इज इक्वल टू 70.2 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 10.2 डिग्री, सब डिग्री में है भाई, यही आंसर होगा, डेल्टा मिनिमम डेविएशन जो होगा उसका आंसर यही होगा। ये समझ में आया नहीं आया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, क्लियर। अब हम बात जो कर रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन आपने पढ़ा होगा स्कूल में, स्कूल में यही सारी चीज़ें पढ़ने होती हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में होता क्या है कि एक प्रिज्म को लिया जाता है और इस प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट यानी सनलाइट को पास कराया जाता है और वो व्हाइट लाइट क्या करता है कि 7 कलर्स में बिखर जाता है, अलग अलग कलर में एक ऑर्डर के अनुसार आ जाता है। ओके, तो उसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स, इन 7 कलर, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इन 7 कलर, ये प्रिज्म, और यहां से आप एक व्हाइट लाइट को पास कराए तो ये जो हो गई ये वाली, इसको रेड बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं, ये हो गए रेड और ये हो गई वायलेट, सबसे नीचे वाली जो है वो वायलेट है, जो ज्यादा मूर्ती है। तो इसमें क्या हुआ कि हर अपना अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, कलर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है,
तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको रेड है, इसको वायलेट। रेड वाली जो है कम मुड़ी हुई रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे हैं जिसको वेबिग्योर बोलते हैं, वायलेट हो जाती है ना, इंडिगो हो जाती है, इस तरह से रेड तक होती। तो इसमें रेड की देखा जाए वेवलेंथ रेड की तो ज़्यादा होती है ना वायलेट से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट की होती है वो ज़्यादा होती है किससे, रेड से। जो जितने ज़्यादा मुड़ेगी उसकी स्पीड उतना ही कम होगी, और जिसकी स्पीड उतना ही कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर क्या हो गया, भी जो स्पीड है वायलेट की वो छोटी होगी किससे, रेड से, है कि नहीं। तो वी नो दैट, अगर डेविएशन की बात करें, वी नो दैट फ्रॉम डेविएशन, यानी डेविएशन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्री। तो अगर हम रेड की बात करें, रेड के लिए तो एन रेड हो जाएगा और माइनस कितना होगा, वन इंटू क्या होगा, ए होगा, डेल रेड। तो एन रेड और माइनस वन होगा, डेल वॉयलेट इज इक्वल टू एन वॉयलेट माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब एन जो वॉयलेट है वो क्या है, एन रेड क्या है, ज़्यादा है ना। तो डेल जो वॉयलेट है वो क्या हो जाएगा, रेड से ज़्यादा होगा। तो मिनिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, मिनिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रेड कलर। बिग्योर कलर के लिख देते हैं इसे, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गई, ये ब्लू हो गई, ये इंडिगो कलर हो गया, ये वायलेट कलर हो गया, ठीक है ना। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर जो है लेमडा जो क्या हो कर बढ़ रही है, ऐसे लेमडा बढ़ रही है, स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है, और इसमें क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी के हिसाब से डेविएशन को भी आप बता सकते हो कि डेविएशन किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये डिस्पर्सन की बात है, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान में रखना होगा, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन किसको बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन यह है थीटा। एंगुलर डिस्पर्सन किसको बोलते हैं बच्चों, थीटा को बोलते हैं। अब ये थीटा होता क्या है, देखिए थीटा जो होता है वो डेल जो वॉयलेट होता है और माइनस डेल क्या होता है, रेड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अब इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो ऐसे होगा इसका डायग्राम, ऐसे होगा। इसमें क्या है कि इस तरह से एक लाइट है, इस तरह से है। तो इसमें जो है इसको पीछे की तरफ ले जाइए या थोड़ा सा और इसको मोड़ दो, थोड़ा सा और मोड़ दीजिए, ये ठीक है, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा और मुड़ेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा और मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे मुड़ेगा। तो इसको आप डॉट डॉट लाइन इस तरह से लेकर जाओ, और जहाँ पर ये पॉइंट मिल गया उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। पी पॉइंट मिला थीटा, तो ये वाली तो रेड हो गई, रेड हो गई, और ई हो गई कौन, वॉयलेट हो गई, वॉयलेट हो गई।
तो इस रेड ये जो है ये रेड वाला डेविएशन है, ई वाला जो डेविएशन है इंसिडेंट रे को इंटरसेप्ट किया है, ये कौन इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया वायलेट, सॉरी ये हो गया रेड और ये हो गया वायलेट रे, ऐसे सही है। अब इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। कठिन नहीं है भाई, काफ़ी आसान है, देख लो भाई। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले डेल भी निकालते हैं, तो डेल भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एन भी माइनस वन इंटू ए, डेल रेड बराबर एन भी, सॉरी एन रेड माइनस वन इंटू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा के वैल्यूज मिलेगा आपको डेल भी, डेल भी का मतलब होगा एन भी माइनस वन इंटू ए, फिर माइनस करेंगे और फिर लिखेंगे क्या, एन आर माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे, ए को, तो यहाँ पर क्या होगा एन भी माइनस वन, ये रिजल्ट आ गया, थीटा इज इक्वल टू ए एन भी माइनस एन आर, थीटा इज इक्वल टू ए एन भी माइनस एन आर हो गया, ठीक है ना, एन भी माइनस एन आर। अब ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिज। एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ रिज, दो बातों पर डिपेंड करता है। इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म ऑफ फाइव डिग्री एंगल है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड एंड ब्लू कलर दिया हुआ है। यानी पहले बात की ए बराबर आपको दिया हुआ है 5 डिग्री, ओके, उसके बाद जो है आपको रेड कलर दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है ब्लू कलर दिया हुआ है। तो रेड कलर की बात जो है, रेड कलर एंड ब्लू कलर, तो रेड कलर का है 1.64 और 1, और जो ब्लू कलर है 1.65 और 9। तो आपको पता है कि एन जो ब्लू है वो एन रेड से ज़्यादा है, जो थीटा होगा वो क्या लिखेंगे, एन ब्लू माइनस एन रेड इंटू कितना, ए। तो थीटा इज इक्वल टू जो हो गया, ये डिग्री है, ओके, और एन ब्लू का जो वैल्यूज है वो है 1.659 माइनस 1.641 इंटू कितना है, 5 डिग्री है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया कितना, 8 हो गया, और ये हो गया कितना, 1 हो गया, और देखिए ये 0 पॉइंट फिर 0 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 कितना होगा, 90, तो 0. है ना 90 होगा नहीं, हाँ बिल्कुल होगा, है ना। तो ये वैल्यू जो होगी, यही आंसर होगा 0.9 डिग्री, है ना 0.9 डिग्री आंसर। ओके, तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।